वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज जो है मैं नया फ़ोन लेके आया हूँ 11 प्रो मैक्स। सो मैंने कहा आपके साथ डिस्कस कर दूँ कि ये कनाडा में कितने का आता है। ऑफकोर्स इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो तो काफ़ी ज़्यादा है, और अगर आप इसको वैसे अगर बाय करें तो अफोर्ड करना मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी प्राइस जो है वो $1700 से ऊपर है इसकी प्राइस। तो मैं आपको बताता हूँ कनाडा में जो है लोग जो है वो महंगे फ़ोन जो है वो कैसे अफोर्ड करते हैं, और कैसे जो है मुझे ये जो है मैंने कुछ भी पे नहीं किया जब मैंने अभी लिया है, लेकिन मुझे पर मंथ जो है वो पे करना है, और मैं आपको बताता हूँ कि वो कितना जो है पे करना है। मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है जो मैंने उनके साथ किया। तो कनाडा में ऐसा होता है कि आप जो है वो आप जो किसी भी जो नेटवर्क होता है उसके साथ जब आप बाय करते हैं, उनकी सिम बाय करते हैं, तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है ज़्यादातर जो है वो 2 साल का होता है, और जिसकी वजह से आपको वो काफ़ी ज़्यादा कई फ़ोन जो है वो फ्री देते हैं, और कुछ फ़ोन जो होते हैं जो एक्सपेंसिव फ़ोन होते हैं उनमें आपको कुछ जो है अप फ्रंट जो है वो पे करना पड़ता है $200, $300, $400। तो मैं आपको पूरी डिटेल बताऊँगा कि आईफोन 11 प्रो मैक्स में मुझे आपको कितना पे करना पड़ेगा अगर आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो अब ये जो फ़ोन है, ये फ़ोन जो है इसकी एक्चुअल प्राइस जो है कनाडा में $1775 है, समझ लें कि $1800 इसकी प्राइस है। तो लेकिन मैंने जब अभी लिया है तो मैंने उनको एडवांस में कुछ नहीं दिया, तो उन्होंने जो है वो अब मुझे जो है वो 105 जो है इसकी जो है पर मंथ पे करना है $105। उसमें $58 जो है वो फ़ोन के होंगे, और बाकी जो रहते हैं वो मेरा मंथली बिल है इंटरनेट वगैरह और अनलिमिटेड कॉल कनाडा वाइड। तो इसमें 10 GB जो है वो इंटरनेट है, डाटा है, और प्लस जो है अनलिमिटेड इंटरनेट है उसकी, जो आफ्टर 10 GB जो है उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, 3G हो जाएगी। तो अभी मैं आपको फ़ोन ये खोल के दिखाता हूँ। ये ग्रीन कलर का फ़ोन था, फ़ोन इसमें नहीं है, फ़ोन मिसिंग है। क्यों? क्योंकि फ़ोन मैंने निकाल लिया ऑलरेडी। तो ये फ़ोन है, इसमें 3 कैमरे हैं, और इसका साइज़ जो है वो मेरे ख्याल में जो 8+ है उस जैसा या XR उन जैसा ही इसका साइज़ है। और इसके अंदर जो है वो हेडफोन्स और साथ ये चार्जिंग वाला। मैं समझ रहा था शायद उनके साथ ईयरपॉड्स भी आते हैं, लेकिन वो नहीं आते। तो इसमें 3 कैमरे हैं, और इसमें यह है कि इसमें एक ऑप्शन ये भी है इधर के कैमरे करीब, जैसे आप कोई पिक्चर लेते हैं तो ये जैसे जूम कर इसको करीब से, ये इसमें ऑप्शन है ये वाला। कोई पिक्चर लेते हैं कैमरा में, ये दूर से ये वन करेंगे थोड़ी और करीब आ जाएगी, 2 क्लिक करेंगे तो और करीब आ जाएगी। इसमें फंक्शन है, इसमें 3 कैमरे हैं, आपको नज़र भी आ रहा होगा पीछे की तरफ। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि मुझे पर मंथ जो है इस फ़ोन के $105 पे करने हैं, उसमें $58 जो है वो फ़ोन के लिए जाएंगे, और बाकी जो 105 में जितने बाकी बचते हैं वो जो है वो मेरा फ़ोन का बिल होगा। तो लेकिन उसके बाद अब इन्होंने नया फंक्शन जो है वो नया सिस्टम शुरू कर दिया इन्होंने, कि आपको या तो $450 जो है वो अभी पे कर दें, या जो $450 है आफ्टर 2 ईयर आपने पे करने हैं। तो अगर आप आफ्टर 2 ईयर आप $450 पे करेंगे तो ये फ़ोन आपका होगा, हो जाएगा। अगर नहीं पे करेंगे तो वो फ़ोन वापस ले लेंगे। तो अभी मैंने सोचा नहीं है कि मुझे फ़ोन जो है रखना है या उनको वापस करना है, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर मैं देखूंगा, आफ्टर 2 ईयर देखूंगा कि मुझे ये फ़ोन रखना है। तो अगर रखना हो तो मुझे $450 जो है वो उनको पे करने पड़ेंगे, अगर नहीं रखना तो उनको वापस कर दूंगा, अपग्रेड कर लूँगा जो भी नया उस वक्त मॉडल चल रहा होगा। तो जैसा कि आपको पता चला होगा कि जो प्लान्स हैं बहुत एक्सपेंसिव हैं कनाडा में, आपको $105 पे करना पड़ मंथ अगर फ़ोन लेंगे तो। लेकिन अगर आप फ़ोन नहीं लेते, आपके पास अपना फ़ोन है, तो आप प्लान जो हैं वो चीप प्लान भी आपको मिल सकते हैं। आपको $50, $60, $70 के प्लान मिल सकते हैं, अनलिमिटेड कॉल कनाडा वाइड कर सकते हैं आप, काफ़ी ऑप्शन हैं आपके पास। अगर जो है अगर आपको नेट नहीं चाहिए फिर भी आपको चीप प्लान मिल सकते हैं, अगर कम डाटा चाहिए तो आपको चीप प्लान मिल सकते हैं। तो समझ लें कि $50 से लेके $105, $120 तक आपके प्लान जाते हैं। यही प्लान अगर वो आपको अभी आपको कुछ नहीं पे करना और आपने फ़ोन अपने पास रखना है, तो आपको 120 और 135 तक भी ये है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। पहले इतने मेरे पास पहले आईफोन 8 प्लस था, तो उसमें मैं इतना बिल पे नहीं कर रहा था, और मुझे फ़ोन भी मेरा था,
मैं जो है वो $80 पे कर रहा था पहले, लेकिन अब एकदम से इन्होंने फ़ोन की प्राइसेस भी बहुत बढ़ गई हैं और जो प्लान हैं वो भी बड़े एक्सपेंसिव हो गए हैं। तो $80 कहाँ है और अब जो है वो $110 $120 जो है वो लोग पे कर रहे हैं। तो फ़ोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है कैनेडा में। इसके अलावा 3-4 नेटवर्क हैं जैसे रॉजर्स, फाइडो, बेल और इसके अलावा टेलस, इस तरह के 3-4 नेटवर्क हैं। तो आप किसी भी नेटवर्क में जा सकते हैं, जो आप जहाँ पे भी आपको डील जो है वो अच्छी मिल रही हो आप उसके साथ जा सकते हैं। कई दफ़ा फाइडो अच्छी डील देता है, कई दफ़ा रॉजर्स अच्छी डील दे रहा होता है, तो आप चेक करें कि कब जो है आपको डील जो है कौन जो है वो आपको अच्छी डील दे रहा है, तो आप उसके साथ जो है वो उनकी सिम बाय कर सकते हैं। इसके अलावा बॉक्सिंग डे या ब्लैक फ्राइडे में डील्स लगती हैं, उनका भी वेट करें क्योंकि उसके अलावा जो है प्लान्स एक्सपेंसिव होते हैं। अगर यही फ़ोन मैंने कुछ दिन पहले लिया होता तो और ज़्यादा एक्सपेंसिव होता, बिल भी शायद ज़्यादा होता, क्योंकि ऑफ कोर्स अभी तो उन्होंने मुझे जो है वो डिस्काउंट दिया है इस बॉक्सिंग डे की वजह से। तो काफ़ी ज़्यादा जो है एक्सपेंसिव फ़ोन है यहाँ पर। चलें सही है, फिर आपको पता चल गया होगा कनाडा में जो है वो आईफोन की प्राइसिंग कितनी है, और अगर आपको वैसे फ़ोन बाय करना है तो फिर तकरीबन $1800 का है। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।